www.rsoilyfree.com में आपका स्वागत है। आज हम लीना रसोई में चावल के परे बनाने जा रहे हैं। जब हमने आटे और चने की दाल के परे बनाए थे तो आप लोगों को बहुत पसंद आए, तो हमसे बहुत लोगों ने कहा कि अब चावल के आटे के परे बनाकर बताइए। तो आज हम लीना रसोई में चावल और उड़द की दाल के आटे के परे बना रहे हैं, जो कि खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। आइए कैसे बनते हैं, चलिए चलते हैं लीना रसोई में। चावल और उड़द दाल के परे बनाने के इंग्रेडिएंट्स, एक हमने प्याज महीन महीन काट लिया है, आधा चम्मच हींग है, ऑयल है परे भूनने के लिए, एक कटोरी चावल महीन महीन पिसा हुआ, दो चम्मच अदरक का पेस्ट, एक चम्मच गरम मसाला, एक कटोरी उड़द की दाल को हमने रात में भिगो दिया था, फिर सवेरे इसका हमने पानी निकाल दिया है। अब इसका हम एक स्मूथ सा पेस्ट बनाएंगे। एक चम्मच नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, एक चम्मच पिसा मिर्चा, हरी धनिया, गरम पानी आटे को सानने के लिए। उड़द की दाल को हमें पीस कर एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बनाएंगे। हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है, इसको अब हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम चावल के आटे को सान कर तैयार करेंगे। चावल का आटा बाजार में आसानी से मिलता है, आप घर पर भी चावल का आटा बना सकते हैं। हल्के गुनगुने पानी से हम चावल के आटे का एक अच्छा सा डो बनाकर तैयार करेंगे। आप चावल को भिगोकर फिर उसका पानी निकाल दीजिए, फिर एक सूती कपड़े में चावल को फैलाकर सुखा लिए, उससे भी आप चावल का आटा मिक्सी में पीस के बना सकते हैं। हमारा डो बनकर तैयार हो गया है। अब इसको हम कुछ सेकंड के लिए रख देंगे। अब हम इसमें भरने वाली स्टफिंग बनाते हैं। पिसी हुई दाल है, इसमें हम मसाले मिलाएंगे, दो चम्मच घिसी हुई अदरक, एक चम्मच गरम मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला हम भूनने में डालेंगे, आधा चम्मच नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए, आप इसमें हरे मिर्चे का भी प्रयोग कर सकते हैं, थोड़ी सी हरी धनिया। अब इन सब मसालों को पिसा लाल मिर्चा डालकर हम अच्छे से मिला लेंगे, थोड़ी सी हींग, उड़द की दाल में हींग बहुत जरूरी होती है, उससे इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और डाइजेस्ट होने में बहुत आसानी है। दाल में हम सारे मसाले अच्छी तरह से मिलाकर तैयार करेंगे। अब फरे बनाने के लिए हम एक कढ़ाई में पानी चढ़ाएंगे, इसमें हम एक चम्मच ऑयल डालेंगे जिससे हमारे फरे आपस में चिपके नहीं। अब हम पानी में आधा चम्मच नमक डालेंगे। जब तक हमारा पानी बॉयल होगा तब तक हम फरे भरकर तैयार करेंगे। फरे बनाने के लिए हम चावल के आटे से छोटी छोटी लोई काट कर तैयार करेंगे। जितनी बड़ी हम लोई पूड़ी के लिए बनाते हैं उतनी बड़ी लोई बनाएंगे। अब हम इसको पतली पतली बेलेंगे, ना इसको हम बहुत ज़्यादा मोटा बेलेंगे ना बहुत ज़्यादा पतला बेलेंगे। इस तरह से हम सारी लोई बेल कर तैयार करेंगे। अब हम इसमें एक से डेढ़ चम्मच स्टफिंग डालकर इसको इस तरह से फैलाएंगे, फिर गुजिया की तरह इसको सब तरफ से अच्छी तरह से दबाकर तैयार करेंगे। अब हमारा पानी भी खोल कर तैयार हो गया है, इसमें हम बने हुए सब फरे डाल देंगे। अब सारे फरे हमने डाल दिए हैं, अब इसे हम कवर लगा देंगे। 8 से 10 मिनट इसको मध्यम आंच पर हम पकाएंगे। 8 से 10 मिनट हमारे हो गए हैं, अब हम फरे को चेक करेंगे। चेक करने के लिए हम एक चाकू की सहायता लेंगे, चाकू डालकर देखेंगे, अगर चाकू हमारा साफ निकल आया है इसके मतलब हमारे फरे बनकर तैयार हो गए हैं। अब इनको ठंडा करने के लिए हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। जब ये फरे हमारे ठंडे हो जाएंगे तब हम इनके पीसेस करेंगे। हमारे फरे के पीसेस 1 से 1.5 इंच के हैं। अब हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है,
इसमें हम ऑयल डालेंगे। चावल के फरे हैं इसलिए इसमें आप ऑयल थोड़ा सा ज्यादा डालिए। ऑयल के गर्म हो जाते ही हम इसमें थोड़ी सी हींग डालेंगे। उड़द की दाल के फरे में हींग कंपलसरी है। अब हम इसमें महीन महीन कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज को हम हल्का लाल भूनेंगे। थोड़ा सा जीरा डालेंगे। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन भूनेंगे। प्याज हमारा जल्दी से भून जाए इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक डालने से प्याज जल्दी भूनकर तैयार हो जाता है। अब हमारा प्याज हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम पिसा हुआ आधा चम्मच मिर्चा डालेंगे। आप इसमें इस जगह पर हरे मिर्चे भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, थोड़ा सा नमक। नमक हमने डो में भी डाला है, नमक हमने दाल में भी डाला है, इसलिए हम थोड़ा सा नमक डालेंगे यहाँ पर। सारे मसालों को अच्छी तरह से भूनकर हम इसमें फरे के पीसेस डालेंगे। इनको हम पलट पलट कर सावधानी से हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे। ये फरे खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं और इन फरों को बनाना बहुत आसान है। इन फरों को भूनने में हमको कम से कम 5 मिनट लगा है। मध्यम आंच पर इन फरों को हमने भूना था। आप इसमें थोड़े ज़्यादा ऑयल का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमने बहुत कम ऑयल का प्रयोग करा है। अब हम गर्म गर्म सर्व करने के लिए प्लेट में निकालेंगे। ऊपर हरे धनिया से इसको गार्निश करेंगे। हमारे चावल और उड़द के दाल के फरे बनकर तैयार हो गए हैं। ये फरे गरम गरम ही खाने में अच्छे लगते हैं। गर्म गर्म चाय के साथ इसको सर्व करिए। कमेंट्स जरूर लिखिएगा कि ये फरे कैसे बने हैं। इस हमारी इस रेसिपी को ट्राई जरूर करिएगा। यदि हमेशा की तरह पसंद आए तो शेयर करिए, लाइक करिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको प्लीज जरूर करिए। एक नई रेसिपी लेकर हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए ओके बाय।